स्वर सहित आता है। ठीक है, पहले एक बात सुनिए, जब इन दोनों में र जो है वो पूरा आता है, पूरे उच्चारण के साथ र आता है, र र हलंत प्लस अ र का उच्चारण होता है ना, तो आखिर इस पूरे र को हम इस रूप में क्यों लिखते हैं, क्या ज़रूरत है, क्या आवश्यकता हमको इस रूप में लिखने के लिए? क्योंकि जब भी व्यंजन, ये जो व्यंजन है वो स्वर रहित होता है, जब भी कोई व्यंजन स्वर रहित होता है और उसके बाद कोई भी व्यंजन, कहीं का भी कोई भी व्यंजन अगर स्वर रहित होता है, स्वर रहित मतलब स्वर के साथ नहीं, स्वर रहित मतलब जिसमें स्वर नहीं होता है, ठीक है, स्वर रहित होता है और उसके बाद र का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, उसके बाद र का प्रयोग किया जाता है जो कि स्वर सहित होता है, तब उस र का प्रयोग हम इस रूप में करते हैं, अक्षर के नीचे हम उसका प्रयोग इस रूप में करते हैं। जैसे ये देखिए द, अब ये द जो है ये क्या है, स्वर रहित व्यंजन है, क्योंकि देखिए इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, भले यहाँ पर आपको देखने में ये लग रहा है कि नहीं ये द पूरा कंप्लीट है, लेकिन यह ये द क्या है, आधा है, स्वर रहित है, पूरा द नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बाद र का उच्चारण आया है ना, वो भी कंप्लीट, द्र र आया लास्ट में द्र, तो जब भी कोई व्यंजन जो आधा होता है उसके बाद जो र आता है वो स्वर सहित आता है, तो उसमें हम ये र का प्रयोग इस तरह का पदेन लगाकर इस रूप में, पदेन के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ भी वही है, यहाँ पे भी देखिए ड क्या है, स्वर रहित है और उसके बाद र का उच्चारण जो है वो स्वर सहित है, जैसे ड्र 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 में देखिए ड हम नहीं बोलेंगे, डर नहीं बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ड्र ड्र ड, हम कैसे बोलेंगे, ड्र डर नहीं बोल रहे हम, क्या बोल रहे, ड्र, ठीक है, तो ड्र तो ड्र, तो लेकिन र के साथ हम अ बोल रहे हैं, ठीक है, तो जब भी कोई व्यंजन के साथ जो कि स्वर रहित होता है उसके साथ अगर र का उच्चारण होता है जो कि स्वर सहित होता है, तो वहाँ पर हम र को र ना लिख के पदेन के रूप में र का उपयोग उस शब्द के नीचे कर, उस वर्ण जो व्यंजन होता है उसके नीचे करेंगे, जैसे ड के नीचे, ड व्यंजन है ना उसके नीचे करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा पदेन का उपयोग इसलिए किए हैं क्योंकि ड का जो नीचे से कैसा है, गोलाकार है, हम पहले बताया ना कि जो नीचे से गोलाकार होता है उसमें हम पदेन का ये रूप लगाते हैं और जो पाई होता है जिसमें, उसमें पदेन का ये रूप लगाते हैं। तो अब बच्चों आप समझ गए होंगे कि रेफ और पदेन का ये दोनों रूप हम कहाँ कहाँ लगाते हैं, समझ गए ना। अब देखिए बच्चों कुछ और शब्दों को जानो, देखिए इसमें कुछ और शब्द है जिसको कि हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए धरती, इसमें देखिए र क्या है, ये वाला र आया है ना, पूरा कंप्लीट र, धरती, देखिए ध में भी अ, र में भी अ, त में भी अ, धरती, ठीक है, गा ज र, तीनों में अ अ अ आया है, मीन्स ये तीनों शब्द, इस इन शब्दों में जो व्यंजन आया है वो पूरा कंप्लीट व्यंजन है, ठीक है, अ द र क दरक, ये क्या है, वर्ष, ये अब देखिए यहाँ पर ये मात्रा जो है वो रेफ का क्यों लगा, वर्ष, क्या बोले, वर्ष, ठीक है, तो व रश होगा, रश, ठीक है, लेकिन इसमें र पूरा कंप्लीट नहीं बोलेंगे, मीन्स क्या कैसे बोलते हैं, वर्ष थोड़ी बोलते हैं हम लोग, कैसे बोलते हैं, वर्ष, र, इसमें भी देखिए र जो है र, कैसे आया, र करके, है ना, तो यदि अगर र इस उच्चारण में निकलता है और वो र जो है दो व्यंजनों के बीच में आता है और र स्वर रहित होता है, तो वहाँ हम उसको किस रूप में लिखेंगे, रेफ के रूप में, ठीक है, उसी तरह पर्वत, पर्वत नहीं होता, पर्वत, देखिए यहाँ पे भी र कैसे है, र करके, है ना, अ नहीं बोले हम, र से बोले, पर्वत, वैसे क्रम, देखिए क्रम, इसमें क्या बोले, क्र, आपको देखने में तो लग रहा है कि नहीं क पूरा कंप्लीट है, क में भी स्वर है, लेकिन हम क्या बोले, क्र, क में र नहीं बोल रहे, देखिए हम ध्यान सुनिएगा, क में हम नहीं बोल रहे, हम र पूरा बोले, क्र र पूरा बोले, लेकिन क हम आधा बोले, तो जब कोई व्यंजन के साथ, हम बताएं ना, जब कोई व्यंजन के साथ
उस आधा रहता है, व्यंजन का उच्चारण आधा होता है, उसके बाद र कंप्लीट आता है, तो वहाँ पर हम पदेन की मात्रा लगाते हैं, र को पदेन के रूप में लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वाला पदेन का प्रयोग है, क्यों? क्योंकि देखिए क में पाई है, प्रकाश में पाई है ना, तो यहाँ पर पदेन का ये वाला रूप प्रयोग हुआ। और ये देखिए यहीं पर जो ट्रक और राष्ट्र है, इसमें पदेन का ये वाला रूप प्रयोग, क्योंकि देखिए ट का भी नीचे गोल है, यहाँ पे भी ट का नीचे गोल है, तो इसमें हम ऐसा वाला पदेन का रूप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा वाला करेंगे। ठीक है, इतना आप समझ गए बच्चों। मैं आशा करती हूँ कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि र क्या है, बिना र अ के र कैसे लिखा जाता है, और र के कितने रूप हैं, और रेफ हम कहाँ लगाते हैं, ये जो र का पदेन रूप है इसको हम कहाँ लगाते हैं, इसमें पदेन का ये वाला रूप किस किसके साथ लगाते हैं, ये वाला रूप किसके साथ लगाते हैं, सब आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों अब आपका होमवर्क है, रीड पेज 18 और 19। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, अंडरस्टूड, समझ गए? चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों, गुड बाय, धन्यवाद बच्चों।